हेलो गाइस, वेलकम टू निकिताज चैनल। आज मैं बनाऊंगी चीज़ स्टफ मशरूम। ये मशरूम बहुत ही ज़्यादा यम्मी और डिलीशियस बनने वाला है। सबसे पहले मशरूम के ये डंडे को हम बहुत हल्के हाथ से निकाल लेंगे और इतना ध्यान से निकालें कि मशरूम टूट ना पाए, क्योंकि ये जो मशरूम्स है ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं, इसलिए बड़े प्यार से आप इसे निकालें। ये थोड़े हार्ड होंगे इसे निकालने में, तो आप बहुत ही अच्छे से इसे निकालने की कोशिश करें और सारे निकाल दें। और इसके अंदर जो आपको होल दिख रहा है उसी के अंदर मैं मशरूम के अंदर चीज़ डालूंगी। अब चीज़ स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे चीज़ ब्लॉक लिया हुआ है। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल जो रेगुलर चीज़ होते हैं वो यूज़ कर रही हूँ। इसे हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता और ओरिगैनो और देन सॉल्ट। और अगर आपको तीखा बहुत पसंद है, देन आपको स्पाइसेस चाहिए, तो आप इसमें ग्रीन चिलीज, रेड चिली पाउडर, ये सब भी डाल सकते हैं। बट जो कि मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें कुछ भी स्पाइसेस नहीं यूज़ करूँगी। और आप इस तरीके से बहुत ही अच्छे से चीज़ फिल कर दें। चीज़ फिल करने में ज़रा भी कंजूसी ना करें, क्योंकि ये चीज़ ही है जो इस मशरूम को बहुत ज़्यादा यम्मी बनाने वाली है। और चीज़ फिल करते टाइम भी ध्यान रहे कि एक भी मशरूम टूट ना पाए। और इस तरीके से आप देख लिए कि ये अच्छे से फिल हो गया है। अब इसी तरह सारे मशरूम फिल कर दे। और अब आप एक बाउल लीजिए और इसमें लेंगे हम मैदा और अरारोट। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच अरारोट लिया है और 2 चम्मच मैदा लिया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सॉल्ट और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बहुत ही अच्छा सा हम घोल बना लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, हमें बिल्कुल पानी जैसा नहीं चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है और ये एकदम परफेक्ट है हमारे घोल के लिए। अब ये जो मशरूम हमारे पास है, अब हम इसे इस मैदे के घोल में डालेंगे और अच्छे से इसकी कोटिंग करेंगे। और इसके बाद हम इसे उठाएंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। कुछ इस तरह से, और इसे ब्रेड क्रम्स से कवर कर देंगे और फिर प्लेट में निकाल लेंगे। साइड साइड से भी आप देख लें, साइड में भी इसे राउंड करके अच्छे से हर तरफ कोटिंग हो जानी चाहिए प्रॉपरली, क्योंकि ये मशरूम के ऊपर एक लेयर रहेगा जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब इसी तरह हम सारे मशरूम की अच्छी सी कोटिंग कर देंगे। और अब इसे रेफ्रिजरेट करने के लिए फ्रीज़र में रख देंगे करीब 1 आवर के लिए। 1 आवर के बाद हमारा वो सेट हो चुका है। मैंने यहाँ पे तेल ऑलरेडी चढ़ाया हुआ है और इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स डाल के देखेंगे। ये तेल हमारा गर्म है, ये गर्म होना चाहिए लेकिन स्मोकी हॉट नहीं होना चाहिए, वरना आपके पकौड़े जल जाएंगे। अब आप सारा इसी में अच्छे से डाल दीजिए। आप एक बार में सारा ही डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सारा डालने के बाद आप इसे चलाएं नहीं, 1 या 2 बार ही सिर्फ इसे पलटने की कोशिश करें। और आप देख सकते हैं कि चीज़ मेल्ट हो के बाहर भी आ रहे हैं और ये कुछ ऑयल लग रहे हैं, बट कुछ देर बाद वो ऑयली नहीं लगेंगे, पूरा ऑयल सोख लेगा। और अब ऊपर से आप ओरिगैनो डाल दीजिए और थोड़ा धनिया पत्ता, और बस हमारा यम्मी डिलीशियस मशरूम के अंदर चीज़ भरा हुआ तैयार है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। घर पे फैमिली, गेस्ट सबको सर्व कीजिए, सभी को बहुत पसंद आएगा। सब्सक्राइब टू माय चैनल।